subscribe to ADDA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello and welcome my lovely stars and my angels. How are you? This is Vidi and I welcome you all at ADDA247, India's number one educational YouTube channel. Kaise ho friends aap sabhi? Main aap logo ke liye leke aa gaya hoon kya? Aapke most important synonyms ka khazana. आप हम लोग क्या कर रहे हैं गाइज, हम लोग कर रहे हैं जो करंट वोकैबुलरी है वो हम अपने रात वाले शो में कर रहे हैं। ये मैंने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए हुए हैं और अब आपको क्या, आपका बहुत काम आसान होने वाला है। आपको सिर्फ ये 35-40 मिनट्स का जो लेक्चर होगा ये आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स में जो आपके आते हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो जल्दी से एक बार आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। कम ऑन हरी आप, जल्दी से एक बार आप कर दीजिए। और अभी आपने देखा था हमारे इंस्पेक्टर साहब अभी आए, वो आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर करा के गए हैं और अब मैं, हम दोनों ने मैथ और इंग्लिश का ये बस बीड़ा उठा लिया है कि बच्चों को वो पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन अब हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि उनका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है गाइज, तो जरा जल्दी से देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट अभी मेरे साथ जुड़ चुका है। अभी मेरे साथ निशा बंसल, निशांत लखरा, लाभ सिंह, आकाश गोयल, ओके वेरी गुड, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आप इसको शेयर कर दीजिए। कंप्यूटर महोदय इधर जो है, हाँ नेट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिए। अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जरा कंप्यूटर महोदय एक बार दिखा दीजिए, आप इसको देखते रहिए, मैं बच्चों से अपने आप बातचीत कर लूंगा। राइट गाइज, 30 सेकंड्स का टाइमर हम लोग लगाएंगे, 30 सेकंड्स का टाइमर गाइज हम लोगों ने लगाना है और मुझे आप लोगों को एक एक चीज आप लोगों को इस ये वर्ड आपसे मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। एक बात और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, वेरी गुड, ठीक है, नाउ आई गॉट इट, डन 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 डन। तो जल्दी से एक बार आप मुझे लिख देंगे कि मेरी आवाज और आपको मेरा, मैं दिख भी रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं मिस्टर इंडिया तो नहीं बना हुआ, क्या मेरी आवाज क्लियर है, जल्दी से एक बार आप बता देंगे। कम ऑन हरी आप, जल्दी से। जय हिंद जय हिंद सभी को आपका। हाँ मेरी टी शर्ट ज्यादा मत देखो, ठीक है, नजर लगा दोगे तुम लोग। जय हिंद सर, आकांक्षा मिरांडा, जय हिंद, गुड मॉर्निंग प्रियंका, जल्दी से आप मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है, कम ऑन। आइए बच्चों जरा मैं आप लोगों को समझाता हूं, एग्जाम क्लियर हो जाता है सर रिजल्ट नहीं बनता, आइए रिजल्ट बनाते हैं फिर आप लोगों का। रेडी हो, रेडी हो के नहीं हो पहले ये बताओ, ठीक है ना, ओके क्लियर है, शाबाश। देखिए एक ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसको बोलते हैं विनल, ठीक है ना, विनल एटीट्यूड, विनल डिजायर्स, ये विनल का मतलब होता है करप्ट, जो भ्रष्टाचारी होता है ना, उसको भ्रष्टाचार जिसके अंदर बना होता है उसको विनल बोलते हैं, विनल डिजायर्स, विनल डिजायर्स। आप लोग देख लो, आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में क्यों जा रहे हो, क्योंकि एक बार आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, एक बार आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, राइट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो बस आन दे, समझ में आया ना, ये आपका है विनियल एटीट्यूड। लेकिन अगर मैं बात करूं विनियल, विनियल का जो मतलब होता है वो आपको, उसने देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, उसने पहला ऑप्शन आप लोगों को करप्ट दिया हुआ है और सारे के सारे बच्चे करप्ट मार के आते हैं, क्यों, उनको यह पता है कि विनियल ये होता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो विनियल का मतलब होता है करप्ट, लेकिन वो वहां पर विनियल लिखा हुआ है, इसीलिए विनियल का मतलब होता है जिसको क्षमा किया जा सके, पार्डनेबल। फोर जो है आप लोगों का, फोर है ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, इज इट क्लियर और नॉट, फोर श्योर है, निखिल साहू ने बोला है फोर जो है वो श्योर है, विनियल इज नॉट रिस्पेक्टेड, क्या बात कर रहे हो, नहीं रिस्पेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्डनेबल, जिसको पार्डन किया जा सके। कंप्यूटर महोदय इसका जब आंसर देंगे ना तो उसके साथ ही मैंने इनको बच्चों को फोटोग्राफिक मेमोरी इनकी बढ़ाने के लिए पिक्चर भी दे रखी है, वो साथ में पिक्चर दिखा देना आप, ठीक है, अभी जैसे ही आप आंसर दिखाएंगे इसका साथ में पिक्चर आ जानी चाहिए, जरा इसका आंसर बच्चों को दिखा दीजिए। ओके यस, ये हमारा सिक्वेंस चलेगा। देखिए जब आपकी, आप कोई छोटा सा सीन करते हो तो आप हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हो कि सर ये जो मेरे से गलती हो गई है,
अभी जैसे कई बार मम्मी पापा के सामने आप कई बार उल्टा बोल देते हो जाता है ऐसा, फिर आप दो घंटे बाद सॉरी मांग लेते हो, है ना, ऐसा होता है ना, पापा मम्मी आई एम सॉरी मैंने उस टाइम पे गलत बोल दिया। तो ये आपके जो आपका जो सिन है, ये आपकी जो गलतियां हैं वो आपकी वीनियल हैं, जिनकी जिनको क्षमा किया जा सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब अगर आप लोगों को ये समझ में आया ये पिक्चर, अब आपको ध्यान रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ये मैंने क्रिएटिविटी बच्चों को दिखाया है। हमारी जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा इंसान है जो 6 फीट 2 इंच लंबा है, उसकी आवाज जो है थोड़ी सी श्रिल है, अगर वो बोलता है तो तभी पता लग जाता है वो एक सुपरस्टार है। मैं नाम नहीं ले रहा, आपके दिमाग में आ गया, अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आपके दिमाग ने अपने आप उसकी फोटो बनानी स्टार्ट कर दी। तो जैसे ही अब आप लोगों को ये विनियल समझ में आएगा, ये पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो जल्दी से मुझे एक थम्स अप दिखाइए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ बच्चों को ये मीनिंग समझ में आ गया है। आप लोगों को लगता है सिनोनिम बोरिंग होता है, हम सिनोनिम को इंटरेस्टिंग बना देंगे, ठीक है, बशर्ते आप लोगों का जो काम करने का एक उमंग होना चाहिए, आपके अंदर एक डिजायर होना चाहिए, ठीक है ना गाइज। ये देखो अमिताभ बच्चन बोल भी दिया है, क्लियर है। तो जल्दी से यार, अभी तक भी जिसने इसको शेयर नहीं किया जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, राइट गाइज, और फिर हम लोग जो है अपने अच्छे खासे इन वर्ड्स को कर लें। तो कंप्यूटर महोदय, अगला क्वेश्चन बच्चों की आंखों के सामने, 30 सेकंड का इनको टाइमर दिया जाए, देखते हैं क्या ये आंसर दे पाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, देखेंगे साहब कौन कौन आंसर करेगा। वेरी गुड, आपका थम्स अप मुझे रिसीव हो गया है, बहुत बढ़िया। ओके वेल, इम्पैक्टेबल इसको बोलते हैं, इम्पीसिएबल कई बच्चे बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्टेबल। इम्पैक्टेबल सेकंड का डी बोला है, किसने बोला है ये, आकाश सहरावत ने बोला है। आकाश सहरावत के लिए बिल्कुल जो है दो जोरदार तालियां हो जाएं। अब आज जो है अच्छा आंसर उन्होंने दिया है, लेवी ने भी बोला है, नितिन ने भी बोला है, ओके वेरी गुड। दैट इज कॉल्ड इम्पैक्टेबल। इम्पैक्टेबल मतलब जिसके बेदाग जो होता है, अगर हिंदी में मैं बात कर दूं, ये जो आपका इम्पैक्टेबल होता है इसको हम बोलते हैं बेदाग, ठीक है ना, बेदाग है वो। जैसे क्यों हमारे जो हमारे हमारे जो पीएम अभी हैं, उससे पहले वाले जो पीएम थे, उनकी क्लीन इमेज के लिए भले ही वो कम बोलते थे और जो कोई उनको बात कहता था फिर उसके हिसाब से ही बोलते थे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उनकी जो है क्लीन इमेज थी, है ना। वो हमेशा नीली पगड़ी बांधते थे, कम बोलते थे, सफेद सफेद उनकी दाढ़ी थी। अब आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, फोटोग्राफिक मेमोरी आप लोगों की समझ में आया कि नहीं, इज इट क्लियर और नॉट। तो ये आपका इन ऑफेंसिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन ऑफेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा, हार्मलेस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट और फॉल्टलेस, ठीक है। फॉल्टलेस जो होता है, जिसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं होता, वो इंपैकेबल होता है, इज इट क्लियर। चलिए कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन नंबर 2 का जरा आंसर एक बार दिखा दीजिए बच्चों को। ब्लेमिश लेस यशस्वी गुप्ता ने बोला है, वेरी गुड, ठीक है ना। क्या हो गया, फोटो आया था फिर चला गया, हाँ दिखा दीजिए, हाँ हाँ चलो बढ़िया है, नमस्कार कर लेते हैं, है ना, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को नमस्कार कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं, अच्छा लगा है। इम्पैकेबल आज के बाद, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इम्पैकेबल इंटीग्रिटी, जिसकी ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है ये इम्पैकेबल इंटीग्रिटी, IMPECCABLE, इम्पैकेबल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ये इम्पैकेबल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होता है आपका, जो आपकी यूनिटी होती है, ठीक है ना, इंटीग्रिटी। और ये आपका होता है एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो गया। आई होप यू गॉट नाउ, क्लियर है, अच्छा लगा है तो जल्दी से एक थम्स अप कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि हां आप लोगों को ये चीजें अब समझ में आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर महोदय, बच्चों के सामने रख दिया जाए। डॉक्टर सॉरी बोल रहे हैं, अच्छा, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, आकांक्षा मिरांडा ने देखिए एज इट इज सेंटेंस बना के रख दिया है,
मेरे मुंह से एक सेंटेंस निकला आप लोगों के अंदर वो छप जाना चाहिए, यही फ्रेज होते हैं, यही आपकी लैंग्वेज को इंप्रूव करने में आपका हेल्प करेंगे। कंस्ट्रेन, जल्दी से मुझे बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से कम ऑन। कंस्ट्रेन, अब आपने देखा कंस्ट्रेन जो होता है अगर वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एक आंसर आ रहा है फर्स्ट, एक आंसर आ रहा है थर्ड का डी, यानी कि यार डी क्या यार, फोर्थ बोलो ना यार, डी क्या होता है, मैंने जो डी ऑप्शन नहीं लिख रखा, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं ना, आप मुझे डी मत बोलिए, आप फोर बोलिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वहां पे है, थर्ड श्योर है, निखिल साहू बोल रहे हैं भाई। अच्छा तो फर्स्ट और फोर्थ तो इसका मतलब दोनों नहीं हो सकते, कोई बोल रहा है थर्ड हो जाएगा, और मैं बता दूं आपको थर्ड ही होएगा, इज इट क्लियर, आपका ये थर्ड ही होगा। कंस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेन का मतलब होता है टू लिमिट, टू कंट्रोल द मूवमेंट, वो कंस्ट्रेन होता है। अब बात आती है कि सर यहां पे अब आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, आप बोलोगे सर रिस्ट्रिक्ट में आर ई एस टी आर, देखिए जरा समझिए वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा टाइम बिताओ, जब तक आप वर्ड्स के ऊपर टाइम नहीं बिताओगे काम चलने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आपका काम तभी चलेगा जब वर्ड्स के ऊपर टाइम बिताओगे। रिस्ट्रिक्ट और एक होता है ऑब्स्ट्रक्ट, एक है आपका रिस्ट्रिक्ट, एक है आपका ऑब्स्ट्रक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है टू लिमिट द मूवमेंट, टू लिमिट द मूवमेंट, ये रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है लिमिट मूवमेंट को रोकना, कंट्रोल करना, वो रिस्ट्रिक्शन की बात आती है। अगर मैं बात करूं ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है टू ब्लॉक ए रोड लाइक दिस, ठीक है ना, किसी रोड को ब्लॉक कर देना, बिल्डिंग को ब्लॉक कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, इज इट क्लियर। मेनी रोड्स वर ब्लॉक्ड बाय द डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग, आई होप यू गॉट द पॉइंट, समझ में आया, ये बिल्कुल ठीक बात है, हिंडर की बात जो यशस्वी गुप्ता बोल रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है ब्लॉकेड कर देना, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है लिमिट कर देना, और कंस्ट्रेन जो आपका लिखा हुआ है, ये वाला जो कंस्ट्रेन आप लोगों का लिखा हुआ है, इसका मतलब भी होता है लिमिट कर देना। अब आप मुझे बताइए कि आपके जचाने से काम चलेगा या वर्ड्स के अंदर घुस के उन वर्ड्स को समझ के तब काम चलेगा, जल्दी मुझे बताइए। और आप लोगों को अगर यह समझ में आया है तो एक थम्स अप तो बनता है यार, क्लियर है, जल्दी कीजिए, शाबाश शाबाश शाबाश। और अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से और बच्चों को बताइए इनको, और उनको भी हम लोग पढ़ाते हैं। आप लोग ये मत बोला करो सर काहे कंपटीशन बढ़ाना है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते, चलिए शाबाश। तो कंप्यूटर महोदय कंस्ट्रेंट का जरा एक बार मीनिंग दिखा दीजिए बच्चों को, ये देखिए ये यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये यहां पर कंस्ट्रेंट है, समझ में आया, रिस्ट्रिक्ट है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया हमने, दिखाएंगे नहीं, यहीं यहां से आगे नहीं जाएगा कभी भी, वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो सकता। आई होप यू गॉट नाउ, क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय बच्चों के सामने रख दिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, और इनका टाइम स्टार्ट भी हो गया, आर्डुअस, देखते हैं कौन बताएगा आर्डुअस का मीनिंग, क्या बात है यार, बढ़िया शाबाश। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी लाइक भी करना बनता है, ठीक है, आकांक्षा मिरांडा, यस सर, आग लगा दिया तो आप लोगों ने, है ऐसे ही आपने मैथ में आग लगाई थी, ऐसे ही अभी, बस यार ऐसे ही पढ़ते रहा करो, आपके टीचर्स आप लोगों के लिए जब इतना इतना काम कर रहे हैं तो आपको तो बैठ के देखना ही है, और क्या करना है, ठीक है। फोर्थ का सी बोला है भाई, एंथुजियास्टिक, आर्ड्यूस इज एंथुजियास्टिक, यानी कि सी यानी कि थर्ड आंसर बोला है, शाबाश बहुत बढ़िया, थर्ड भी है सेकंड भी है, इसका मतलब मैं बच गया, जब आंसर इसका मतलब कुछ बच्चों को मैं जरूर सिखा जाऊंगा आज, है ना, सेकंड भी है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग कहां पे, सेकंड मतलब स्ट्रांग बोल रहे हैं, आर्ड्यूस का मतलब होता है क्या, स्ट्रांग, ठीक है, बिल्कुल जो है ये आपका आंसर जो है टू है, ये गलत हो गया, आई एम सॉरी आई हर्ट योर सेंटिमेंट्स। लेकिन जो बंदा थर्ड बोल रहा था उसके लिए इनाम देना चाहिए हमें, इतना डिफिकल्ट वर्ड को उसने गलत बताया, ये इसका थर्ड भी नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, ठीक है। आइए अब देखो,
अब यहां पर आर्ड्यूस जो है ना, आर्ड्यूस का मतलब होता है क्या, डिफिकल्ट, वो आर्ड्यूस होता है, आर्ड्यूस इज कॉल्ड डिफिकल्ट। अब आपको जब तक आर्ड्यूस का मीनिंग नहीं पता और स्ट्रेन्यूस का मीनिंग नहीं पता तो आपको यह भी नहीं पता पाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्लियर हुआ कि नहीं। तो स्ट्रेन्यूस इसका मीनिंग होता है, क्योंकि आर्ड्यूस का मीनिंग होता है कठोर, क्या बात है, रफ एकेडमी। ये रफ एकेडमी, यार एकेडमी का नाम भी रफ कैसे हो सकता है भाई, अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, शाबाश रफ एकेडमी, मेरी तरफ से थम्स अप आपको, राइट, बहुत अच्छा। ये इसका मतलब होता है कठोर, देखो उसने बोला है कठोर, कठोर है, कटोरा नहीं है, कठोर है, कठोर। और मैं अगर बोलूं डिफिकल्ट, तो ये बच्चों इसका मतलब हो जाएगा, आर्ड्यूस का जो मीनिंग है ये आपका हो जाएगा स्ट्रेन्यूस, ठीक है ना, इज इट क्लियर। हाँ हाँ, बहुत इजी बुक है भाई, इसीलिए तो हंस रहे हो, समझ में आ नहीं रहा ना। चलो अच्छा, टोंटिंग अच्छा होता है। एक बच्चा बोला सर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम आप लोग देते हो। भाई मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि वोकैबुलरी को पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को, समझ में आया। जब तक ऐसे ऐसे तो फिर मैं जितने क्वेश्चन है ये तो मैं 5 मिनट में करा के चला जाऊंगा। मैं आपको बोलूंगा आर्ड्यूस का मीनिंग स्ट्रेन्यूस, चल आगे, उसका मीनिंग क्या, चल आगे, ये नहीं होता। फिर तुम बोलोगे इसको यार पढ़ाना नहीं आ रहा, समझ में आया ना। तो मुझे आप लोगों को चीजें सिखानी है, तो ध्यान से आप लोग सीखिए, ध्यान से देखिए, अपने आप आज जो है काम आपका चल जाएगा। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर 4 का जरा आंसर एक बार दिखा दीजिए, ये देखिए है ना। तो अगर मैं बात करूं, मैंने क्यों यहां पर पिक्चर डाली, पूरी की पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप लोगों को अगर याद हो जाए फिर आप लोग क्या ये यूट्यूब चैनल को देखोगे, हैं? बोले सर पूरी तो आप ही याद कर लो। तो अगर मुझे पूरी की पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर टिप्स पे लर्न हो जाए तो मैं इंडिया में रहूंगा करूंगा भी क्या, आप मुझे बताओ, है कहीं और जाके अच्छी जगह जाके पढ़ाऊंगा ना। आई होप यू गॉट, अपने एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मुझे पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है फिर ऑक्सफोर्ड वाले ले लेंगे, क्योंकि पूरी डिक्शनरी को याद करना अपने आप में एक यूजलेस सी बात है, वो एक रेफरेंस होता है, आपके अपने वर्ड्स होते हैं, आप उन वर्ड्स को पक्का करते हो, दैट्स इट। किसी की अपनी वोकैबुलरी होती है, किसी की अपनी वोकैबुलरी होती है। तो टू लर्न अ डिक्शनरी, फुल डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड 9th edition एडवांस लर्नर डिक्शनरी, इट्स एन आर्ड्यूस टास्क, स्ट्रेन्यूस टास्क। आई होप यू गॉट द पॉइंट, समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं। चलिए अच्छा लगा है तो जल्दी से अब आप एक थम्स अप कर दीजिए और ओके आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्यूटर महोदय, आप लोग ने दिखा दिया, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन। रफ एकेडमी बोल रहे हैं सर, फिर तो अमेरिका चले जाएंगे। नहीं, मैं यूके जाना पसंद करूंगा, ठीक है ना, वहां पर राज करके आएंगे वो लोग, हमारे पे 200 साल करके गए यार, अमेरिका वालों से क्या, तो उनका तो वो कल्चर ही नहीं है। चलिए ओके, रिसेप्टकल, रिसेप्टकल क्या होता है पता है किसी को, ये देखेंगे, ये आया हुआ है आपके, ये सारे वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स ले रहा हूं जो आप बोलते हो। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर द हिंदू का वोकैब कराओ, कई बच्चे बोलते हैं सर प्रीवियस ईयर उठाओ, तो ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर आया हुआ है, ठीक है ना। अब आप मुझे नहीं बोल सकते कि सर आपको वोकैब में हमें दिक्कत हो रहा है, रात को 7 बजे हम लोग नई वोकैब करते हैं, यहां पे हम लोग अपना पुराना काम कर रहे हैं, ठीक है। कंटेनर जो होता है, जो स्टूडेंट्स मेरे पूरे होंगे उनको पता होगा, पुराने वालों को, कि ये रिसेप्टेकल जो होता है, कोई भी ऐसा एक कंटेनर जिसमें कुछ सामान रखने के लिए हम इसको यूज करते हैं उसको रिसेप्टेकल बोलते हैं। अच्छा, एक ये भी होता है SALVER, सेल्वर, क्या मीनिंग होता है सेल्वर का, क्या मुझे बताओगे, 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, जल्दी से, कम ऑन। हाँ, कंपार्टमेंट केस में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो, रफ एकेडमी कंपार्टमेंट भी हो सकता है, शाबाश, वेरी गुड। और ये आपका होता है, ये क्या होता है, सेल्वर, सेल्वर होता है आ मेटल ऑब्जेक्ट, कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट जो होता है उसको आप बोल देते हैं सेल्वर, ठीक है, सेल्वर, सिल्वर, सेल्वर, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर सेल्वर, है ना, कोई प्लेट आप लोगों की मेटल ऑब्जेक्ट या मेटल प्लेट जो होती है, ये वाला चांदी की प्लेट में, आओ तुम्हारे को मैं खाना खिलाता हूं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कराया है सर ये आपने, क्या बात है, देखो जो अब कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को, है ना। तो जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको याद हो रहा होगा, सिल्वर सेल्वर, सिल्वर सेल्वर, सेल्वर हो गया आपका नाउन, और सिल्वर क्या हो गया आपका, एक तरह से एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये भी आपका नाउन, ठीक है ना, नाउन प्लस नाउन का कंपाउंड आपका बन गया, आपका काम चल गया, आपका पोस्टमार्टम हो गया।
आई होप यू गॉट द पॉइंट. अगर आपको समझ में आए तो जल्दी से एक थम्स अप कीजिए. कम ऑन कंप्यूटर महोदय, जरा आंसर दिखाइए बच्चों को, साथ में पिक्चर दिखा दीजिए. ये देखिए, आपको सिल्वर आपके सामने आ गया. कभी भी कूड़ा करकट जो है बाहर मत फेंका करो. गाड़ी में चले, छिलका का केला लिया, खाया आपने केला और बाटक, ठीक है ना, वो नहीं. आप लोगों को किसी भी रिसेप्टेकल को देख लेना है, किसी कंटेनर को, उसमें फिर इसको डाल दिया करो. आई होप यू गॉट द पॉइंट. समझ में आया तो अच्छी बात है. आई वॉज राइट, मणिरत्न दुबे बोल रहे हैं, आई वॉज राइट. ओके, तो अभी हमारा सेंचुरी हो गया है भाई. आप लोगों को लिए, जितने भी बच्चा भी मुझे देख रहा है, आपको अगले क्वेश्चन का आंसर दिखाना पड़ेगा. अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय बच्चों के सामने, ये देखिए फनल मैंने आपको दिखा दिया, उसमें एक बार जरा बैक जाएंगे, जरा एक बार बैक जाइए कंप्यूटर महोदय. ये देखिए, कंटेनर नहीं हो सकता उसका, कंटेनर आंसर इसका हो जाएगा. फोर आंसर, कंपार्टमेंट जो है, होल जो है, और फनल. फनल मैंने आपको दिखा दिया यहां पे. फनल क्या होता है एक बार जरा दिखा दीजिए बच्चों को. नेक्स्ट अभी आ जाते हैं. ये फनल होता है, उसको कीप बोलते हैं, जिसमें आप तेल वगैरह जो डालने के लिए यूज करते हो. तो मुझे लगा कि बच्चों को मैं पिक्चर एक दिखा देता हूं ताकि उनको समझ में आए, फिर वो कभी भूलेंगे नहीं. इज इट क्लियर, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की आंखों के सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कॉन्ट्राबैंड. देखेंगे कौन इसको बताएगा. जल्दी से मुझे बताइए कॉन्ट्राबैंड कौन बताएगा. फनल सर छानने वाला, कीप. हाँ ठीक है, कीप ही बोलते हैं. यशस्वी गुप्ता हंस रहे हैं, वो हम हरियाणा में बोलते हैं ना, कीप लिया, कीप लिया, वो कीप में. ओके वेरी गुड. सिक्स्थ का बच्चे ने बोला सी. सी यार, सी क्यों बोल रहे हो यार, वो बोलो ना, थर्ड बोलो. थर्ड बोला है चार्ली. चलिए एक सी आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ गया. डी भी बोला है एक ने, यानी चार आंसर आ गया. ओके कॉन्ट्राबैंड, 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 कॉन्ट्राबैंड. सेकंड भी बोला है, क्या बात है यार, तुम लोग कमाल कर रहे हो. फिर फर्स्ट भी बोल दो कोई, फिर क्या दिक्कत हो गया. देखिए कॉन्ट्राबैंड जो होते हैं वो आइटम होती हैं जो इलीगल आइटम्स होती हैं. समझ में आया, जिनकी तस्करी जो है. समग्र रजत कंबोज ने आंसर दिया है, सिद्धार्थ बिश्नोई ने आंसर दिया है, नितिन वर्मा ने भी ऊपर आंसर दिया था. वेरी गुड. और मणिरत्न दुबे ने तो स्मगल्ड पूरा कर दिया है कि सर ये लीजिए, मैं बिल्कुल श्योर हूं यहां पर. ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है ना. कॉन्ट्राबैंड का मीनिंग हो जाएगा क्या आपका, स्मगल्ड आइटम्स जो होते हैं उनको कॉन्ट्राबैंड्स बोलते हैं. ये वाला जो आइटम्स होती है, अगर आप देखेंगे टू बगल जो होता है, बगल का मतलब क्या होता है, बगल का मतलब होता है बगल, बगलर से समझ लो, चोर जो होता है. ये बगल हो गया, आप लोग आओ जरा सिखाते, देखो ना वर्ड्स, वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा टाइम बिताओ. आओ जरा देखते हैं, देखिए देखिए कैसे. ये आपका हो गया बी यू आर जी एल ई डी, बगल्ड, यानी वी टू वी थ्री, बगल्ड. बगल्ड चोरी कर लेना. माई, अगर मैं बोलूं, देखो जरा आप लोग भी बोला करो सेंटेंस को. माई गाइस, बोलो यस सर. मैं बोलूंगा गाइस, तुम बोलो यस सर. गाइस यस सर, माई फ्लैट वॉज बी यू आर जी एल ई डी, बगल्ड यस्टरडे. Guys, do you know what, sir? यार my flat was burgled yesterday. यार मेरा कल रात को मेरे फ्लैट पे चोरी हो गया. समझ में आया? क्यों सर चोरी क्यों हुआ? क्योंकि मैं इंडिया गेट पे था. समझ में आया? तो अपने एहतियात कराने गए थे सर वहां पे. समझ में आया ना? तो my flat was burgled yesterday. अब आपको क्या करना है, इस वाले लाइन को चार पांच बार बोलो. आप लोग मुझे बताओ कभी आपके घर में चोरी हुआ हो तो, है ना, किस ईयर में. My flat, my house was burgled in, इतना इतना कोई ईयर आप लिख दो, सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा. यस सर तो ठीक है, इनको कर भी लेना, ठीक है, करना भी है इनको. अभी आपने एक बार इसको पढ़ोगे, उसके बाद चार घंटे बाद फिर रिवाइज कर लेना, अपने आप याद हो जाएगा. बैफल का मतलब होता है घबरा जाना, जो घबराना. आई वॉज शॉक्ड, शॉक्ड इज बैफल्ड. जगल क्या होता है, ये जुगल नहीं है, ये जुगल नहीं है. जगल अभी बता, यशस्वी गुप्ता जी बता रहे हैं, रुको. आप तो बोल रहे थे बड़े आसान वर्ड है आज, रुको जरा, आहिस्ता आहिस्ता, होले 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 होले. माय फ्लैट, ठीक है ना, चोरी हो जाना. बैफल्ड का मतलब शॉक्ड, घबराना, उसको शॉक्ड बोलते हैं, बैफल्ड. आहा क्या बात है, क्या क्रिएटिविटी है दुबे साहब, हैं? अच्छा देखो, एक बच्चा बोला सर जगल क्या होता है, जगल, जगलर क्या होता है.
जगल का मीनिंग मैं आपको पिक्चर से समझाऊंगा। आपने देखा होगा कई बार कोई जो आपका कोई आर्टिस्ट होता है वो चार पांच ऑब्जेक्ट को इकट्ठा ले लेता है और वन बाय वन ऐसे आपको वो चलाता रहता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं क्या, जगलर। और ये जगल्ड क्या होता है, टू यूज टू और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम, उसको क्या बोलेंगे, जगल्ड। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर का जरा आंसर दिखा दीजिए एक बार, और उसके एक बार आप दिखा दीजिए कॉन्ट्राबैंड, एक बार मैं बच्चों को दिखा देता हूं। देखिए ये कई बार माल जो होता है ना ये पकड़ते हैं हम लोग, बॉर्डर पे काफी होता था, जो वहां के जो यू कैन से क्या बोलते हैं ड्रग्स, जो आपकी कोकीन है, हीरोइन है, ये काफी ज्यादा पाकिस्तान से इंडिया में सप्लाई होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की कई बार हम लोग ये सीज करते थे उनको। ओके, तो ये कॉन्ट्राबैंड हो गया, इसका आंसर टू हो गया। अब जगल का मैं आपको मीनिंग बताना चाहता हूं, बने रहिए मेरे साथ जरा एक बार। कंप्यूटर महोदय अगला एक बार दिखाइए जरा, नेक्स्ट जो स्लाइड दिखाएंगे, ये जग्गल होता है। देखिए उसने बॉल्स लिया, बॉल्स को जो है ये इस तरह से ये कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जगलिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट, समझ में आया, अच्छा लगा। इजी कुछ नहीं है ना कुछ टफ है, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। तो बाजीगरी बोल रहा है, देखो 10,000% बोला है, अब कुछ भी लगा लो ना उसको, क्या बोलते हो अब आप, बाजीगर है ना ये, कर्तव्य दिखाने वाला, ठीक है। ये जगल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों की आंखों के सामने, कंप्यूटर में होता जल्दी से जरा दिखा दीजिए बच्चों को और इनका टाइम स्टार्ट कर दीजिए, देखेंगे क्या ये आंसर दे पाएंगे, देखते हैं क्या ये आंसर दे पाएंगे जल्दी से। वेल नीलम कुमावत बोल रहे हैं हमारे पास एक ही ऑप्शन है अगर हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो, है टू जग्गल। अच्छा टू नीलम कुमावत ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे कैसे पास होगा बच्चे, मुझे मेरा फर्ज बनता है आपको ठीक करना, टू के बाद कभी भी वी टू नहीं आता, टू आपने लिखा तो वी वन ही लिखाइए, लगाइए वहां पर टू प्लस वी वन, तो वहां पर लिखिए टू जग्गल, ठीक है बच्चा, इसको जरा ठीक कर लीजिए और अच्छा लगेगा फिर आप लोगों को भी कि देखो सर वही के वही अभी हमारी जो है वो गलती को ठीक कर दिया, गॉट इट। स्कैंडलाइज्ड, स्कैंडलाइज इज बोला है बच्चों ने, शॉक्ड बोला है, हिली चकमा ने बोला है शॉक्ड, क्या बात है, ये भी आ गए हैं अभी देखो, शॉक्ड यानी कि आपने फोर आंसर बोला है, कहीं अच्छा कहीं बच्चों ने इरिटेटेड बोला है फर्स्ट है। स्कैंडलाइज का मीनिंग क्या होता है जल्दी बताइए, राइट जल्दी से देखते हैं क्या होता है। ये आपका फोर है स्कैंडलाइज्ड और ये है आपका वन। स्कैंडलाइज्ड का मतलब जो होता है ना वो शॉक्ड होता है, वो वरिड इरिटेटेड नहीं होता, जो जिसका फर्स्ट है इरिटेट का आंसर ये जो वाला जो है ये नहीं आएगा। स्केयर्ड में और वरिड में क्या है, स्केयर्ड का जो होता है वो डर जाने के सेंस में आता है, डर जाना, और वरिड जो है वो आपका चिंता के सेंस में आता है, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसे करूं ये मैं यहां पर अभी वरिड हूं, कल क्या होगा, कल का लेक्चर कैसे तैयार करूंगा, बच्चों को क्या नया दूंगा, ये आपका वरिड हो गया, शॉक्ड। शॉक्ड क्या होता है, आप लोग भी तो करते हो, आजकल तो बॉयज और गर्ल्स के एक जैसे एक्सप्रेशन हो गए हैं, पहले तो गर्ल्स के और बॉयज के एक्सप्रेशन मैच नहीं करते थे, आजकल बॉयज के एक्सप्रेशन थोड़े ज्यादा मैच करने लग गए हैं उनसे, नहीं शॉक्ड। देखो दिखाओ जरा कंप्यूटर में होते हैं एक बार, बच्चों को दिखाते हैं इसका जरा, इनको समझाओ, ये देखिए ये आपका होता है शॉक्ड, ये वरिड नहीं होता, ये वरिड का कभी भी एक्सप्रेशन नहीं है, समझ में आया कि नहीं, आई होप यू गॉट नाउ। हाँ और क्या, समझाना पड़ेगा ना भाई कैसे करें, जैसे तैसे करके समझाऊंगा आपको वो कैब, इसलिए तो आप जीते नहीं हो ना इसको, वो कैब को पिया करो बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग कुछ पीते हो, समझ में आया ना, जितना इसको पियोगे उतना मजा आएगा फिर इसमें, मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि मैं इसको पी लेता हूं, समझ में आया। डेली डॉक्सिस बोल रहे हैं एक भी सही नहीं हुआ सर, क्या करें बताओ, इसके लिए डेली क्लास में आना पड़ता है बच्चे, डेली क्लास में आइए तब आपको अच्छा लगेगा, राइट। रॉयल मोहित बोल रहा है सर योर बियर्ड इज ऑसम और वी आर शॉक्ड, अब मेरी दाढ़ी से तू शॉक हो गया है क्या मोहित, यार कमाल कर दिया, ओके वेरी गुड, ये अच्छा सेंटेंस, नीलम कुमावत ने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया है, माई मदर स्कैंडलाइज एट माई ब्रदर्स रिजल्ट, तो फिर उसको चलो अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, स्कैंडलाइज है ना, तो अब इसको पैसिव में लेके जाओ, ठीक है ना, पैसिव में लेके जाओ इसको, वॉज स्कैंडलाइज्ड बोलो इसको बच्चा, ओके नीलम समझ में आया होगा।
जयता सरकार बोल रहे हैं ईट स्लीप ब्रीथ ड्रिंक वो कैब्स, ठीक है, हाँ बिल्कुल चाट लो इनको, वेरी गुड शाबाश, आई एम वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कंप्यूटर में होता है, जरा दिखाइए बच्चों को ये क्या होता है, मैस्टिकेट। आप देखिए जरा, ये मैंने पिक्चर जानबूझ के आपको दिखाई है, आप देखिए क्या इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है, ठीक है, और फिर आगे क्या बोलेंगे, आगे नहीं बोल पा रहा, मैं नहीं बोल रहा आगे, नहीं राइट। मैस्टिकेट मस्ती नहीं है, ये मस्ती काटे वही, ये वो, ये मस्ती काटे नहीं है, इट मैस्टिकेट, क्लियर। आ गई, आ च्यू होता है, चोक होता है, स्वेलो होता है, बाइट होता है, क्या होता है, मैस्टिकेट। अरे वाह क्या बात है, च्यू, साक्षी पटेल ने सबसे पहले बोला है भाई, साक्षी था, साक्षी ने बोला है च्यू होता है, थर्ड नहीं होगा फर्स्ट होगा इसका आंसर, इसका आंसर यही होता है मैस्टिकेट, चबाना, ये च्युइंगम को करते हो ना मैस्टिकेट, ऐसे। चोक क्या होता है, चोक का मतलब होता है व्हेन यू नो समथिंग इज ब्लॉक्ड, यहां पर रुक जाता है जो आपका गला, उसको चोक कर देते हैं, आपने आपने कुछ ऐसा खा लिया जो गले से नीचे उतर नहीं रहा है, चोक हो गया आपका गला, ठीक है ना, ऐसे। स्वेलो निगल जाना, बाइट काटना, ये वाला, ये बाइट हो गया, समझ में आया ना, ठीक है, और समझ लो गे बता दो, चलिए बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की आंखों के सामने, इसका आंसर एक बार दिखा दीजिए, चू होता है, ठीक है, गगन कुमार ने बोला भाई सबसे पहले, चलो ठीक है, ओके, ऑप्शन 1 को लॉक किया जाए, अमर केसरी। आज तो भाई मुझे लग रहा है, अच्छा आज कौन कौन स्टूडेंट आज मेरे पास नया है, एक बार लिखेगा आई एम न्यू, जल्दी से कम ऑन, जो बच्चा भी नया है वो लिखेगा एक बार आई एम न्यू, ताकि उस बच्चे से मैं अपनी फ्रेंडशिप कर लूं और उसको मैं अपनी क्लास में डेली लेके आऊं। गाइज आप लोग क्लास में आइए तो सही, आप लोगों को मैटर मिलेगा, आपके लेवल का मैटर मिलेगा, ठीक है, ओके चलिए बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी आंखों के सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर, लैब्रिंथ, लैब्रिंथ क्या होता है, देखेंगे आप बताएंगे क्या, जल्दी से, बस तुम लोग जो जो है ना, अविनाश पटेल ये है नए, साक्षी सेतिया नए हैं, ये बच्चे आप कहाँ रहते हो बच्चों, वो कैब हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, गदम रमेश साहब हैं आपके, टानी खान साहब हैं आपके, कहाँ चले गए थे आप लोग, मेरी आंखें तरस गई थी आप लोगों को देखने के लिए, आप डेली आया करो बच्चों, हैं गौरव मैडम ये भी नए हैं, आई न्यू फॉर टुडे, हाँ ले लो ये जो मजे, देखा अब आपने, ये जो पुराने वाले हैं ना ये मस्ती करते रहते हैं। बच्चों जो बच्चा आज नया आया है, वेलकम आपका अड्डा 247 फैमिली में, प्लीज बी रेगुलर, सुबह 10 बजे और शाम को 7:10 पर, बस 10-10 कॉमन है, 10 और क्या 7-10 ये एक बना लीजिए, बस 10-7-10, 10-7-10, ठीक है ना, 10 AM और 7:10 PM, ठीक है ना, क्या वी डी, बस आगे तुम लिख लेना वी और डी, बस दैट्स इट, इज इट क्लियर, समझ में आया, विजय धामू, ओके रफ एकेडमी, आपका अच्छा आंसर थे आपके, मैं चाहता हूं कि आप जैसे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो, अच्छा लगे, फिर मैं आप लोगों को यहां पे बुलाऊं, आप लोगों का साथ इंटरव्यू करूं और दुनिया को बताऊं कि देखिए घर बैठ के भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये मैं चाहता हूं। लैब्रिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, नहीं होता जो, ठीक है ना, व्हेन यू कैन से यू गेट कंफ्यूज्ड, ये भूल भुलैया, इधर 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 जाना, किधर जाना, किधर जाना, किधर जाना, किधर जाना, ये वाला जो भूल भुलैया होता है उसको क्या बोलते हैं, लैब्रिंथ बोलते हैं, मेज, यू कैन से मेज इज कॉल्ड लैब्रिंथ, ठीक है, नहीं थर्ड नहीं हो सकता बिल्कुल भी, गलत बोल रहे हो, थर्ड बिल्कुल क्या, स्काई स्क्रैपर क्या होता है, स्काई स्क्रैपर होता है अ वेरी टॉल बिल्डिंग, यहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहां पर आप खड़े हो, आई ला इतना बड़ा बिल्डिंग रे, ठीक है, और यहां पे ये कोई खड़ा हुआ है, वो उसको हाई कर रहा है, समझ में आया, ये लो, इसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर, वेरी लार्ज टॉल बिल्डिंग इज कॉल्ड लैब्रिंथ का सर, स्काई स्क्रैपर, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो काट गया देखा, हाँ समझ में आया, जिगजैग बोलते हैं इसको, जिगजैग होता है, लैब्रिंथ इज कॉल्ड जिगजैग, इज इट क्लियर,
समझ में आया? मेज, मणिरत्न दुबे ने बोला है. इज इट क्लियर नाउ? फर्स्ट आपका आंसर आएगा रास्ता नहीं हो सकता, बिल्डिंग नहीं हो सकता. इम्पास का मतलब होता है डेड लॉक. जब आप ना आगे जाओ, ना तो आप आगे जा सको, ना आप पीछे जा सको, उसको क्या बोलेंगे? इम्पास बोलेंगे. क्या बोलेंगे? डेड लॉक. उसको क्या बोलेंगे? डेड लॉक. आई होप यू गॉट नाउ. क्लियर है? यस. जरा लेब्रिंथ का एक बार मीनिंग दिखा दीजिए कंप्यूटर महोदय. ये वाला देखो, कट 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 कट, पता ही नहीं कहां पहुंचोगे. समझ में आया? ये आपका मणिरत्न दुबे बोल रहे हैं मेज हो जाएगा, राजू शर्मा ने बोला है. ठीक है कि बच्चों? चलिए, और अगर आपको अब तक के वर्ड्स आपको समझ में आए तो जल्दी से यार एक लाइक तो बनता है. जितना हो सके आप बच्चों को इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि एग्जाम नजदीक आ रहा है. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? अभी देख लो आप, अभी अगर अगला वर्ड मैं आपको करवा दूंगा, 50 वर्ड्स में आप लोगों को करा गया हूं इस 35 मिनट्स में. 50 वर्ड्स बहुत होते हैं बच्चों. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जरा एक बार दिखा दीजिए, और इनका टाइम स्टार्ट होता है अप. शाबाश 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 शाबाश. Obsequious, obsequious, इसको बोलते हैं क्या? Obsequious, obsequious. ओह, इंस्पेक्टर संदीप शर्मा भी देख रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं. भूल भुलैया, क्या बात है आज संदीप साहब, आज मजे कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, आप भी आना चाहो तो आप भी जुड़ सकते हैं. शाबाश, आई लव यू टू. वेल, रफ अकेडमी बोल रहे हैं, जुड़ चुके हैं. ऑब्सिक्यूस का मतलब होता है जो आदमी यू कैन से बस अगर उसको कुछ कहा जाए ना वही बात मान ले. जो आदमी सर्वाइल होता है, सर्वाइल का मतलब क्या होता है? जो यू कैन से थोड़ा सा यू कैन से जो नौकर टाइप नहीं होता. समझ में आया ना? जो जिसको जो आदेश दिया जाए पालन करने वाला ऑब्सिक्यूस होता है, जो हर बात को माने. समझ में आया? उसको क्या बोलना? डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता. डिफाइलेंट का मतलब होता है जो बात को ना मानता हो. डिसऑनेस्ट होता है बेईमान, ऑनेस्ट होता है ईमानदार. सर्वाइल होता है जो हमेशा हर बात को माने, हाथ जोड़ के खड़ा रहे. बोलो साहब, बोलो साहब, बोलो साहब. क्या साहब? ये साहब, वो साहब. समझ में आया? समझ में आया? सर्वाइल इसको बोलते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का जरा एक बार आंसर दिखा दीजिए कंप्यूटर महोदय बच्चों को, ताकि बच्चों के दिमाग में फिर ये बैठेगा. इस वजह से दिखाइए, ये देखिए. समझ में आया ना? आज तुम्हारे को ये काम करना है. यस मास्टर. ठीक है ना? उस टाइप से चापलूस जो होता है, थोड़ा सा सेवक जो होता है. ठीक है ना? ओके, राधा कृष्ण बोल रहे हैं सर मजा आ रहा है. बढ़िया है भाई, मजा आ रहा है तो अच्छी बात है. सेवक बोल सकते हैं, सर्वाइल हो गया आपका. ठीक है ना? सर्वेंट हो सकता है, सर्वेंट, सर्वाइल. ठीक है ना? ये वाला मास्टर और सर्वेंट, ये आप इसको सर्वेंट भी बोल सकते हो. ठीक है, सर्वेंट हो गया. चलिए ओके कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों की आंखों के सामने रख दिया जाए, और देखते हैं इसका क्या आंसर ये लोग देते हैं. पैलिड, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आएंगे आप लोगों को. मैं बता रहा हूं ये वर्ड आप लोगों के आएंगे गाइस, मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है, पैलिड. पैलिड का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है, पेल होता है, वर्थलेस होता है, कंफर्टिंग होता है. क्या होता है जल्दी बताइए. थैंक यू दीप्ति, थैंक यू. अच्छा लगा मुझे, आज मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ बच्चों को जो है कुछ अच्छी चीजें आज हम दे पाए हैं. और ये बस अगर ऐसे चलता रहेगा, इसको आप चलाते रहो. ठीक है, वेरी गुड. मिनियन होता है, सपोर्टर होता है, सर्वाइल होता है. ठीक है, पैलिड जी, हजूरी करने वाला, बिल्कुल ठीक है. पेल, जैता सरकार बोल रहे हैं, जो यू कैन से पेल हो, जो वीक हो, है ना, जिसका जिसका फेस जो है ना बिल्कुल पीला हो गया हो, उसको पैलिड बोलते हैं. पैलिड पर्सनैलिटी, पेल पर्सनैलिटी, पीला, यू कैन से ये पेल होता है. ये फ्रेंडली नहीं होता, वर्थलेस नहीं होता, और कंफर्टिंग नहीं होता. गॉट इट? क्लियर है? नो आइडिया नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, देख लीजिए. कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन नंबर 11 का जरा आंसर दिखा दीजिए. कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बच्चों के सामने. आंसर इसका हो गया क्या? टू. क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 12 इन बच्चों की आंखों के सामने, और इनका टाइम स्टार्ट होता है अप. जल्दी से, कम ऑन. आइए आइए, देखते हैं देखते हैं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से. इनविगोरेटिंग, ये आया हुआ है वर्ड. ये वर्ड आप लोगों का वोकैबुलरी बुलेट्स का है, और आपका प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है. गलत नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा.
गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये आपका आज का लास्ट वर्ड है। जल्दी से मुझे बताइए, तो 12 5 पांच वर्ड इसके साथ आ गए, 60 वर्ड्स हो गया। ठीक है, हर वर्ड को अच्छी तरह बार बार देखना अच्छा लगेगा मुझे। इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग होता है रिफ्रेशिंग। सबसे पहले आंसर दिया है विकास कुमार ने, एग्जैजरेटिंग बोला उन्होंने तो नहीं, रिफ्रेशिंग सिद्धार्थ बिश्नोई ने आंसर दिया है, सिद्धार्थ बिश्नोई ने आंसर दिया है सबसे पहले। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग जिसके अंदर स्फूर्ति हो, ताजगी हो, उसको क्या बोलेंगे, इनविगोरेटिंग पर्सनैलिटी है ये। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट, इनविगोरेटिंग। कंप्यूटर महोदय जल्दी से आंसर एक बार दिखा दीजिए बच्चों को, आंसर हो गया इसका क्या, टू। जरा एक बार कोई पर्सनैलिटी को भी लेके आइए, जरूर आएगी कोई ना कोई, तो ये आ गया, समझ में आया, ये आ गया आपका पर्सनैलिटी और ये आप लोगों का। ठीक है, कितना उछल कूद कर रहे हैं, समझ में आया ना। इनविगोरेटिंग का मतलब क्या होता है, ये आपका रिफ्रेशिंग होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्लियर है। चलिए, और अच्छे स्टूडेंट आप हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, जो अभी बाद में आए हैं, तो प्लीज वो इसका रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका एक लेक्चर है गाइज। इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगी जब एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन सेम आएंगे। इज इट क्लियर और नॉट। तो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा है तो जल्दी से मुझे वीडियो के बाद जरूर कमेंट में लिखना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। और जिन नए बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी आप नोटिफिकेशन को ना भूलें। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, इंग्लिश विद वीडी सर, उसमें मैं डेली जो भी मेरा लेक्चर होता है उसका लिंक डाल देता हूं, तो आप बिना किसी हैसल के वहां से लिंक उठा के और अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो जल्दी से इंग्लिश विद वीडी सर आप ज्वाइन कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ इंग्लिश के साथ। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आज शाम को और रात को 7:10 पर द हिंदू की कुछ नए अच्छे वकबरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।